तो भैया ये झंडा भी है, ये झंडा बच्चों के लिए देने के लिए रखा, बच्चों के लिए लिया था, ये बच्चों को दिया जाएगा अभी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कानपुर की जान मिल गए या बॉडीगार्ड को टैडी मिल गए हैं, ये देखिए फोटो वोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ। ये हम लोग आ गए हैं जेड स्क्वायर के पास। नमस्कार दोस्तों, आप है कानपुर के घुमक्कल लाउंडे के साथ। तो भैया आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले आप लोगों का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ है मंगल भाई, देख लो पीछे, और भाई इधर अपने बॉडीगार्ड, ये देखिए पूरे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो भैया आज हम लोग चल रहे हैं गंगा बैराज, और भैया फिर उसके बाद जाएंगे जेड स्क्वायर, दिखाएंगे आपको वहाँ क्या सीन चल रही है आज। ठीक है, ठीक है। तो भैया उसे पहले बता दे जो ना अपने पुत्तन भैया है ना, पुत्तन भैया यार आ रहे थे तो रास्ते मिल गए, तो स्कूल से लौंडे जा रहे थे, उनके लड्डू छिना छिना खाने लगे। भैया मानते हैं यार तुम इतने भुखड़ हो, तो ऐसा ना करो यार किसी का लड्डू छिना छिना खाने लगोगे। मांग ले बच्चों से, मगर तुम छिना रहे हो। ये तो बात हो गई पुत्तन भैया की, चलते हैं अब आपका घुमाते हैं, आइए हमारे साथ। चल 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 चल। भैया हम लोग आ गए हैं गंगा बैराज वाली रोड पे, दिखाते हैं आपको। भैया ये देखिए झंडा लेके जा रहे हैं, ये देखिए भैया अटल घाट, इधर अपना है गंगा बैराज। तो ये आ गया भैया अपना गंगा बैराज, यहाँ से सीन चालू होती है, देखिए। भैया लोग हम लोग आ चुके हैं गंगा बैराज में, देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा, दिखाते हैं आपको। ये देखिए भैया लोग झंडा अंडा लिए हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, झंडे बिक रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया ने एकदम तिरंगे में लिपटे हुए शरीर को ना करके बल्कि अपने चेहरों को इससे सजाया है कि आप देख सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इनकी राय, क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, हम कानपुर से ही हैं। और आप कहाँ पे हैं अभी? अभी तो गंगा बैराज में है, कानपुर गंगा बैराज फेमस जगह आई है। जी जी। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी दो चीज़ों की है, एक तो संविधान लागू हुआ था इस दिन 26 जनवरी 1950 को, और दूसरी खुशी है 22 जनवरी की जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो आज हम ही नहीं बल्कि देश तिरंगे में डूबा हुआ है। इन्हें एक हमको झंडा भी दिया है और साथ ही मुझे भी इस झंडे का महत्व बताया है। तो हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम रिजवान अहमद है, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ। मेरा फेल चैनल आएगा हिंदुस्तान टीवी टुडे, आप देख सकते हैं मैं इस समय गंगा बैराज में अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, इन्हीं के कहने से मैंने इतनी प्रोफाइल पे फोटो खींच ली है। तो भैया ये झंडा भी है, ये झंडा बच्चों के लिए देने के लिए रखा, बच्चों के लिए लिया था, ये बच्चों को दिया जाएगा अभी, बाकी के झंडे झंडे तो बढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे झंडे बांटते हैं, फिर उसके बाद जेड स्क्वायर भी चलेंगे। तो भैया अब हम लोग आ गए हैं गंगा घाट के किनारे पुल के नीचे, दिखाते हैं आपको यहाँ की सीन। देखिए भैया कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे। ये देखिए भैया की स्कूटी फंस गई, पैशन प्रो भी फंस गई, देखो भैया कैसे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए बालू है नीचे, यहाँ पे बालू पे चल रहे हैं हम लोग, बड़ा मस्त लग रहा है। इसमें देखिए गुब्बारा उब्बारा झंडे अंडे लगे हैं, वहाँ सजाया गया है नाव को। भैया
बॉडीगार्ड इस समय हाईलाइटेड है, कोई भी मिल रहा है इनसे फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे रहे हैं इस समय रहे और सारे कर तो इन्हीं किए, जितना भी इन्होंने किया सब इन्होंने किया भाई, सब इन्हीं के ऊपर सब जाता है ये समझ लो। ये मेकअप वेकअप जितना हुआ है सब मेरा, ये सब इन्होंने किया अपने हाथों से, कलाकार हैं देख सकते हो आप लोग। गंगा घाट के किनारे इस समय काफी लोग हैं, काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं देख सकते हैं आप। एक बड़ी सी नाव खड़ी है ये देख सकते हैं, मगर ये सूखी जगह में है, इसका यूज नहीं हो रहा है, गंगा जी काफी सूख गई हैं। तो भैया गणतंत्र दिवस है इसलिए सबकी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, तो यहाँ पे आए हुए हैं सभी, गंगा बैराज में टहल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताए भैया, यहाँ धूप भी निकली हुई है आज के दिन। कानपुर हमारी जान, कानपुर हमारी जान, कानपुर की जान मिल गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा कानपुर ये ठंडी पर घुमाए हैं। पूरा कानपुर घुमाए भाई, हम लोग रिलीजन में घुसे रहे हैं तो ये बाहर निकल सबको घुमावत रहा है कानपुर में हर एक जगह। क्या बात है। तो भाई अपने रतनपुर का है कानपुर हमारी जान, आप तो सब जानते ही होंगे, भले चाहे हमें ना जानते हो। भाई आए हैं आज गंगा बैराज में, सब्सक्राइब करो भाई, काफी मेहनत करते हैं यार, हम काफी टाइम से देखते हो ऐसे भाई, सपोर्ट करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो भाई, जितना हो सके लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू भाई। मेरा नाम है अमित और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है कानपुर हमारी जान के नाम से, शायद आप लोग फॉलो करते हो, अगर नहीं करते तो करने लगना भाई, और भाई को सपोर्ट करते रहो, ठीक है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ये नाव वाले भैया बैठे हैं भाई, फोटो फोटो खिंचाया जा रहा है, फोटो खिंचाया जा रहे हैं, पता नहीं कितनी फोटो खिंचा डाले हैं ये। देखो भैया ये गंगा जी हैं, इधर पड़ी है टट्टी, गंगा जी की कोई इज्जत ही नहीं है, कहीं पे भी निकाल देते हैं सब। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे भैया लोग, हमने आपको गंगा घाट के किनारे की सीन दिखा दी है, बहुत लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको पुल के ऊपर की सीन। तो भैया हम लोग आ गए हैं अब गंगा बैराज के पुल पे, दिखाते हैं सीन यहाँ की। तो ये देखिए भैया गंगा बैराज के सीन, काफी लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए भैया लोग तिरंगा रंगा लेके फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। देखिए भैया कितना बड़ा झंडा लगाए हुए हैं यहाँ पे, पीछे पुलिस आ रही, पीछे पुलिस आ रही है, यहाँ से भाग रहे हैं। भैया बॉडीगार्ड को टैडी मिल गए हैं, देखिए फोटो वोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ। ये भाई टैडी आई गजब, ये बात ये कनपुरिया टैडी हैं, देखिए बताइए भैया कुछ। ज्यादा से ज्यादा भाई सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, और यूट्यूब और फेसबुक पे काम करो, पैसा कमाओ, और लोगों को हंसो और हंसाते रहो, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। बिल्कुल, लाइफ इज नेवर रॉन्ग। गंगा बैराज हम लोग ने घूम लिया, यहाँ की सीन भी दिखा दी है, और भैया बॉडीगार्ड के साथ बहुत लोग फोटो खिंचा रहे हैं, देखिए आप पीछे अब भी खिंचा ही रहे हैं। तो काफी टाइम हो गया है, अब भैया यहाँ से हम लोग चलते हैं जेड स्क्वायर, दिखाते हैं आपको वहाँ की सीन। ये देखिए भैया दीवार में राम मंदिर बना हुआ है, भैया पूरा कानपुर जो है तिरंगे में रंगा हुआ है एकदम, बिल्कुल मेरी तरह। तो भैया हम लोग आ गए हैं जेड स्क्वायर के पास, देख सकते हैं पीछे बना हुआ है,
तो बॉडीगार्ड बोल रहे हैं पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। तो चलिए बना रहे हो, भूख लगी होगी तो खा ही लो यार, ब्लॉग थोड़ा बनेगा। तो चलो भाई खा लेते हैं पहले कुछ। भैया अपनी राइस रेडी हो चुकी है, ये देखिए अब खाते हैं इसको, चलते हैं फिर अंदर। हम लोग आ चुके हैं जेड स्क्वायर के अंदर, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की सीन। देर से ढूंढ रहे थे कहीं तिरंगा मिले जेड स्क्वायर में, कहीं नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाते हैं। ये देखिए चक्र बना हुआ तीलियों वाला, उसमें लाइटें लगी हुई हैं झिलमिलाने वाली। देखिए भैया ये है तिरंगा। तो भैया यहाँ सोच रहे हैं फोटो वोटो खिंचाएं। तो भैया बॉडीगार्ड को देख रहे हैं, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, यही एक झंडा लेके टहल रहा है यहाँ पे, और कोई आपको दिखाई नहीं देगा। नीचे से ऊपर आ गए हैं, चौथी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे हैं इस समय। 50,000 पब्लिक से ज्यादा पब्लिक है, लेकिन एक झंडा नहीं लिए है आज के दिन भी, बताओ। देखिए एक बाबू मिला है, बाबू ने बैंड लगाया हुआ है तिरंगे का, ये देखिए। ये क्या है भैया? लोग ऐसा ही था अपना गणतंत्र दिवस का ब्लॉग, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, बहुत फोटो वोटो भी खिंचाई। तो भैया अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल को भैया एकदम दबा के सब्सक्राइब मार दो। दबा के लाइक और सब्सक्राइब।